Swayam Prabhat, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार वेरी गुड मॉर्निंग टू एन एंड ऑल ये जो विषय है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये विषय है प्रशासनिक विधि तो प्रशासनिक विधि की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं इस विधि पे आए इसके पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय आपको बता दूं तो सभी लोग जान लें मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है और उसके पहले मैं न्यायिक अधिकारी था आसाम न्यायिक सेवा परीक्षा के थ्रू मेरा बारह चौदह साल का टीचिंग एक्सपीरियंस लगातार डी में चल रहा है अभी तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है आपके साथ अब जो विषय है इस विषय का नाम है प्रशासनिक विधि तो हम लोग प्रशासनिक विधि की चर्चा कर रहे हैं इस विषय को हम लोगों ने दस भाग में बांटा हुआ है मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था पूरे दस लेक्चर में हम लोग इस विधि की चर्चा करेंगे तो एक लेक्चर हम लोगों ने शुरू में कर लिया जिसमें ये हम लोगों ने देखा था कि भाई इसका इंट्रोडक्शन क्या है इसका अर्थ क्या है इसकी परिभाषा क्या है और इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ भारत में इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ तो इस सारी चीज़ों का हम लोगों ने एक लेक्चर ले देख लिया है जिसमें विषय के बारे में हम लोगों को एक इंट्रोडक्शन पता चल गया है अब ये जो दूसरा लेक्चर है प्रशासनिक विधि का जो हम लोग करने जा रहे हैं उसकी टाइटल आप अपने स्क्रीन पर देखें उस टाइटल है उसकी विधि का शासन विषय दो है विधि का शासन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रूल ऑफ लॉ बड़ा सेलिब्रेटेड प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का रूल ऑफ लॉ विधि का शासन ठीक है ना तो ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विधि का शासन क्या है तो इसके पहले की विधि के शासन के विभिन्न विधिक बिंदुओं पर मैं आऊं मैं इसको कामन भाषा में आपको समझाऊं जो आपको समझ आ जाए पहले इसके बाद हम इसके पॉइंट पे आते हैं विधि का शासन ये है कि देश में शासन आदमी का नहीं होना चाहिए देश में शासन कानून का होना चाहिए अगर आदमी का शासन होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा गड़बड़ इसलिए हो जाएगा कि आदमी जो है वो संबंधों से बधा हुआ है आदमी जो है वो उसके कुछ लिमिटेशंस हैं सीमाएं हैं जब उसके अपने लोग उसके सामने आएंगे तो अपने लोगों के साथ पक्षपात करेगा वो उनके फेवर में काम करेगा और जो उनके लोग नहीं होंगे उनके फेवर में काम नहीं करेगा ये इनहरेंट ह्यूमन वीकनेस है ये सबके अंदर है आपके अंदर हमारे अंदर सबके अंदर है अगर हमारा भाई बगल में खड़ा है और कोई अपरिचित खड़ा है तो पहले मैं भाई के लिए काम करूंगा इसीलिए विधि का शासन ये कहता है कि भाई अगर आदमी का शासन होगा तो ये सब होगा चाहे आप उसको कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बैठा दीजिए चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो अल्टीमेटली वो ह्यूमन बीइंग है और चूंकि वह ह्यूमन बीइंग है इसलिए फॉलेबल है तो इस फॉलिबुल को रोकने के लिए कानून ये कता है नहीं नहीं भाई विधि का शासन होना चाहिए कानून का शासन होना चाहिए कोई भी कुर्सी पर बैठा रहे वो कानून के सिद्धांतों के हिसाब से काम करे तो विधि के शासन की यही संकल्पना है यह ये बड़ी पुरानी संकल्पना है वैसे अगर हम लोग इसको अभी शुरू करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये तो ब्रिटेन से शुरू हुआ क्योंकि इसका प्रोपाउंडर एवी डायसी है अभी हम लोग शुरू करेंगे इसको लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूँ ऐसा नहीं है कि ये ब्रिटेन का प्रिंसिपल है और भारत में ये प्रिंसिपल नहीं था ऐसी बात नहीं है भारत में ये प्रिंसिपल सबसे पुराना था चूँकि भारत सबसे पुराना सिविलाइज्ड स्टेट है इससे पुरानी सभ्यता विश्व में किसी के पास नहीं है आप एक दस हज़ार साल पुरानी सभ्यता वाले देश में बैठे हुए हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे साम्राज्य रहे हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने मार्गदर्शन किया है पूरे विश्व के गुड गवर्नेंस के लिए अगर आप राम राज्य की बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में तो विधि का शासन राम राज्य में सबसे चरम पे था जिसमें अगर राम जी को आप देखेंगे तो ताज को छोड़ करके और चौदह साल वन में निकल पड़े इससे ज्यादा विधि का शासन आप कहाँ पे देख सकते हैं कोई आप राजा का एग्जाम्पल आप पूरे विश्व में बता दें जो राजा आपने गद्दी को छोड़ करके और जंगल में निकल पड़ा हो इतना बड़ा त्याग वाला राजा आप विश्व में किसी को बता दें अमेरिका से ब्रिटेन से लेकर के या जो अपने आप को सो कॉल्ड सिविलाइज कर रहे हैं कहीं नहीं आपको मिलेगा तो भारत एक ऐसा सिविलाइज कंट्री था जिसमें इतने आइडियल किंग्स और किंगडम्स थे जिसमें विधि का शासन आपको हमेशा देखने को मिलेगा अगर आपको एक एपिसोड में रामायण से शुरू करूं जिसमें आपको तब मैं आऊंगा वेस्ट के कॉन्सेप्ट पे तो रामायण में आप देखेंगे जब भरत जी आते हैं राम जी को जंगल से लौटाने के लिए कि भैया आप चल चलो घर पे और जो भी हुआ उसको भूल जाओ तो वहां पे देखिए राम तो राजा थे ही थे और राम के राजा न आने के बाद भरत राजा थे अगर राजा का शासन होता तो राजा के आदेश को मानते हुए राम को अयोध्या लौट जाना था लेकिन राजा के आदेश को उन्होंने नहीं माना उन्होंने किसके आदेश को माना उन्होंने कानून के आदेश को माना जिसको हम विधि का शासन पढ़ने जा रहे हैं वो बोले भरत तुम भले राजा हो लेकिन यहाँ पे मैं नीति की बात करूँगा जो नीति है मैं उसका पालन करूँगा और नीति क्या है चूंकि हमारे फादर ने प्रामिज किया था और उस प्रामिज के लिए उन्होंने किसी को वचन दे दिया था उस वचन के परसुएंस में मैं बन जा रहा हूँ तो रघुकुल रीत सदा चली आई तो हम अपने परिवार की रीति को नहीं खत्म करें रीति क्या है रीति कस्टम है यूसेज है पॉलिसी है और ये पॉलिसी क्या है कानून है इसी को हम बोलते हैं विधि का शासन तो एक नहीं अगर आप रामायण को पढ़ेंगे भागवत गीता को पढ़ेंगे और इससे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं हमारे पास अगर उनको आप आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तमाम ऐसे प्रिंसिपल थे जहां पे दस हजार पंद्रह हजार साल पुरानी सभ्यता में हमारे आपको दिखेगा विधि के शासन के सबसे बड़े प्रणेता हम थे लेकिन चूंकि वो सारे सिद्धांत धार्मिक रूप में थे इसलिए हम उसको यहां पर विधि के रूप में ज्यादा व्याख्या नहीं करते हालांकि विधि और धर्म में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है धर्मो विश्वस्य जगता प्रतिष्ठा आप किसी में देखेंगे मैं भी एच स्कूल में गया था वहां पे लिखा हुआ था उसके स्लोगन पे धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा इसका क्या मतलब लॉ इज एवरीवेयर धर्मा इज एवरीवेयर इसका मतलब धर्मा एंड लॉ इज इक्वल दोनों में फर्क नहीं है धर्म और कानून दोनों एक ही हैं धर्म किस चीज की बात करता है डूज एंड डोंट्स क्या करना है क्या नहीं करना है कानून किसकी बात करता है क्या करना है क्या नहीं करना है तो दोनों में फर्क थोड़े है उस समय धर्म था तो पाप की व्यवस्था थी आज कानून है तो दंड की व्यवस्था है नहीं तो डूज एंड डोंट्स तो दोनों में था का क्या करना क्या नहीं करना हो तो दोनों में था तो इसलिए आप देखेंगे विधि के शासन को तो ये मिथक आप अपने दिमाग से निकाल दें इसलिए मैं इंट्रोडक्शन में शुरू किया आप मिथक अपने दिमाग से निकाल दें कि विधि के शासन का प्रणेता वेस्ट रहा है ऐसा नहीं है विधि के शासन के प्रणेता हम रहे हैं और हम बहुत बड़े इसके प्रोपाउंडर हैं जिसको विश्व फॉलो करता है ठीक है तो इस बैकग्राउंड के साथ हम लोग विधि के शासन को शुरू करते हैं अब विधि के शासन में जब आप देखेंगे तो मैंने आपको जैसा बताया विधि के शासन की संकल्पना इसलिए कानून में है क्योंकि आदमी का शासन होकर के कानून का शासन होगा कोई भी कुर्सी पर बैठा होगा वो वो कानून के के सिद्धांतों से चलेगा वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा वो स्वेच्छाचारिता नहीं करेगा मनमानापन नहीं करेगा और अगर ऐसा करेगा तो उसके लिए तमाम व्यवस्था बनी होगी जिससे उसको कंट्रोल किया जाएगा आज भी आप देखते होंगे कि करप्शन का मामला है तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो है जेल के अंदर है अगर आदमी का शासन होता तो कुर्सी

मैं दो तीन स्कॉलर का यहां पे नाम लिख करके उनके माध्यम से आपको समझाऊंगा उन लोगों ने क्या बताया है तो देखिए विधि का शासन जो है ये फ्रांस का एक टर्म था जहां से ओरिजिनेट हुआ था उस टर्म का नाम है लॉ प्रिंसिपल डी लिगेलाइट लॉ प्रिंसिपल डी लिगेलाइट ये एक शब्द है जिसको हम

इस जो लाइन मैंने आपको बताया फ्रांस वाली इसका मतलब यही है कि मुख्य रूप से विधि शासन करती हो इसको हम बोलते हैं लॉ प्रिंसिपल डी लीगलाइट लॉ प्रिंसिपल डी लीगलाइट ठीक है ना मुख्य रूप से विधि शासन करती हो ये इसका मतलब है मुख्य रूप से आदमी न शासन करता हो मुख्य रूप से विधि शासन करती हो इसकी ये बात है अब फ्रांस के जब आ, आप आगे बढ़ेंगे तो एडवर्ट कोक एक फिलासफर था एडवर्ड कोक एडवर्ड इन्होंने विधि के शासन को परिभाषित करने का प्रयास किया इन्होंने क्या बताया एडवर्ड कोक ने विधि के शासन का उद्भव या प्रारंभ सर एडवर्ड कोक ने किया उसने यह मत व्यक्त किया कि राजा को अवश्य ही ईश्वर और विधि के अंतर्गत होना चाहिए ध्यान दीजिए किंग को कैसा होना चाहिए को क्या बोलता है वेस्टर्न फिलॉसफर है कहता है किंग को हमेशा का हमेशा गॉड या लॉ के अनुसार काम करना चाहिए ध्यान दीजिए गॉड या लॉ के अनुसार काम करना चाहिए राजा को व्यक्ति के अनुसार काम नहीं करना चाहिए राजा को लॉ के अनुसार काम करना चाहिए या ईश्वर के अनुसार काम करना चाहिए अब लॉ और ईश्वर दोनों को एक जगह पर रखा हुआ है कहता है जितना लॉ पवित्र है उतना ही ईश्वर पवित्र है क्योंकि लॉ का भी वही स्थान है इंटैक्ट है उसके सामने सारे लोग बराबर है अगर आप देखेंगे तो गॉडेस ऑफ जस्टिस की स्टेच्यू आप देख सकते हैं भारत में अगर आप देखें तो न्याय की जो देवी है उसकी स्टेच्यू को जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसके आंख के ऊपर पट्टी बधी हुई है और हाथ में तराजू लेके ऐसे खड़ी है ऐसा क्यों है उसका स्टेच्यू क्या वह आंख की अंधी है ना आंख की अंधी नहीं है उसकी आंख से बहुत दूर तक दिखता है लेकिन चूंकि वो अपने आंख में पट्टी क्यों बाधी है क्योंकि उसके सामने कौन खड़ा है उसको पता ही नहीं चले हमारे सामने कौन खड़ा है ताकि वो पक्षपात न कर सके वो निष्पक्षता से काम कर सके इसलिए वो अपने आप के ऊपर पट्टी बाधी हुई है तो जो कोक बताते हैं कहते हैं कि कैसे होना चाहिए राजा को? राजा को को गॉड तरह होना चाहिए तो ये गॉडेस ऑफ जस्टिस का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया तराजू के हाथ में है जिसके तरफ ज्यादा एविडेंसेस होंगे वो मुकदमा जीत जाएगा चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो चपरासी हो इससे कोई मतलब नहीं है जिसके तरफ एविडेंसेस ज्यादा होंगे वो मुकदमा जीत जाएगा इसलिए हमेशा किंग को या तो गॉड के बराबर होना चाहिए और या तो लॉ के बराबर होना चाहिए आप तो या तो कानून के हिसाब से काम करो या ईश्वर के हिसाब से काम करो ईश्वर किसी के लिए पक्षपात नहीं करता उसी तरीके से कानून किसी के लिए पक्षपात नहीं करता तो कोक साहब ऐसे कहते हैं कि किंगशिप में भी राजा को ऐसे काम करना चाहिए तो विधि के शासन को उंड तो नहीं किया कोक ने लेकिन विधि के शासन का एक फाउंडेशन जरूर तैयार कर दिया इन्होंने कहा राजा को कैसा होना चाहिए राजा विधि के अनुसार काम करे तो विधि का शासन न देते हुए राजा को को एक गाइडलाइंस दिया था कोक 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 ने तो कोक को हम मानते हैं फाउंडेशन है रूल रूल ऑफ ऑफ लॉ लॉ का पूरा बेस्ड है अब जो फिलासफर है जिन्होंने रूल ऑफ लॉ को प्रोपाउंड किया हम उनकी बात करते हैं आइए अब उसको देखते हैं तो वो है आपके पास एवी डायसी प्रोफेसर एवी डायसी प्रोफेसर डाइसी ये ब्रिटिश प्रोफेसर हैं और इनका कहना है कि रूल ऑफ लॉ क्या है ध्यान दीजिए ये रूल ऑफ लॉ के तीन कंपोनेंट बताते हैं कहते हैं रूल ऑफ लॉ में तीन बातें हैं। किसी भी देश में विधि का शासन है कि नहीं है इसको देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा क्या उस देश में तीनों बातें हैं कौन कौन तीन बात पहली बात कहते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ध्यान दीजिए दूसरा कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ और तीसरा कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ जिसको हम बोलते हैं प्री डॉमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट के नाम से जानते हैं ये तीन प्रिंसिपल इन्होंने दिया तो सबसे पहले आप आइए इक्वालिटी बिफोर लॉ ध्यान दीजिए इक्वालिटी फर्स्ट कॉम्पोनेंट है रूल ऑफ लॉ का दूसरा सुप्रीमेसी सुप्रीमेसी और तीसरा प्री डोमिनेस प्री ऑफ लीगल स्पिरिट ध्यान दो ये तीन चीजें हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ एंड प्री डॉमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट ये तीनों क्या है मैं इन तीनों को थोड़ा आपको बताऊं इक्वालिटी बिफोर लॉ पॉइंट नंबर फर्स्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे तो क्या ये संभव है विधि के समक्ष सभी लोग समान हो जाएं ये संभव है शायद नहीं संभव है क्योंकि असमानता तो सबके अंदर है इनहरेंट इन है सबके अंदर अगर आप देखेंगे कोई भी दो आदमी इक्वल आपको नहीं दिखेगा भारत जैसे पॉपुलस कंट्री में भी अगर आप देखेंगे जहां एक करोड़ का पॉपुलेशन है वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी दो आदमी एक तरीके का कतई नहीं होगा वो निश्चित रूप से उसमें डिफरेंस होगा तो हम कैसे कर सकते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ जहां पे इनहरेंट इक्वालिटी आदमी के अंदर फ्रॉम दी बर्थ ही फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द ह्यूमन बींग इनहरेंट इक्वालिटी है तो ये बड़ा ये बड़ा डिकोटमी है दोनों के बीच में हम कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉड ने सबको इनहरेंट इन इक्वालिटी से पैदा किया है तो ये अगर आप फिलोसफिकल स्कूल आप जरूर स्टूडेंट्स में जाएंगे थोड़ा मैं विधि शास्त्र की बात करूं तो हिगेलियन कॉन्सेप्ट है कॉन्ट का कॉन्सेप्ट है जिसमें बोलता है Thesis, और एंटी का प्रिंसिपल जिसमें पूरा मार्क्सवाद बेस्ड है आपका मैं उतने में नहीं जा रहा हूं नहीं तो डिस्कशन दूसरे रूप में चला जाएगा यहां पे विधि के शासन में जब आप बात करेंगे इनहरेंट इन इक्वालिटी विच हैज कन्फर्ड द गॉड और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एप्सलूट इक्वालिटी क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ और जब इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा तब विधि का शासन होगा तो एंटी थेसिस और थे सेंथेसिस निकलती है तो इनहरेंट इक्वालिटी एक तरफ इक्वालिटी दूसरे तरफ अब इन दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई है तो कैसी इक्वालिटी का जनरेशन है अगर आप भारत के संविधान में देखेंगे तो दो तरीके की इक्वालिटी है एक है इक्वालिटी इन प्रिंसिपल और दूसरे को बोलते हैं एक्चुअल प्रैक्टिकल इक्वालिटी इक्वालिटी इन प्रिंसिपल आर्टिकल फोर्टीन में आपको दिखेगा और आर्टिकल फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन जब भारत के संविधान का आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रैक्टिकल इक्वालिटी दिखेगी जिसमें आपको रिजर्वेशन भी दिखेगा जिसमें आपको एडमिशन भी दिखेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिसमें कास्ट वेस्ट रिजर्वेशन

बच्चे का है तो बच्चा का बच्चे के हिसाब से होगा और जो एडल्ट है एडल्ट का एडल्ट के हिसाब से होगा अब इनहरेंट इक्वालिटी को आप इक्वालिटी में कैसे लेके आ सकते हैं इसीलिए जब इक्वालिटी डॉक्ट्रिन आप देखेंगे भारत के संविधान में तो ये बड़ा बड़ा ही साइंटिफिक ड्राफ्टिंग है इसकी जो संविधान निर्माताओं ने दिया उन्होंने कहा नहीं चूँकि इनहरेंट इक्वालिटी है तो एफ सलूट इक्वलिटी नहीं हो सकती इसलिए उन्होंने पहले तो इक्वालिटी की बात करी आर्टिकल चौदह में लेकिन पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह प्रैक्टिकल इक्वालिटी की बात करता है जिसमें इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल है जिसको हम बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ दी लॉज विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण तो ये विधियों का समान संरक्षण है जिसमें हम इन इक्वालिटी को एक्सेप्ट करते हैं ठीक है ना तो इसको मैं बाद में आऊंगा अभी जब भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में जिक्र करेंगे तो इसमें हम लोग आएंगे लेकिन यहाँ पे जो पहला प्रिंसिपल है इक्वालिटी बिफोर लॉ ये पहला कॉम्पोनेंट है विधि के शासन का इक्वालिटी बिफोर लॉ विधि के समक्ष सभी लोग समान हो गए तो हमको ये देखना है कि क्या आपके देश में इक्वालिटी बिफोर लॉ है क्या आपके देश में विधि के समक्ष समता है अगर विधि के समक्ष समता आपके देश में है कानून के द्वारा तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि आपके देश में विधि का शासन है तो विधि का शासन होने के लिए सबसे पहला जो कॉम्पोनेंट है वह इक्वालिटी बिफोर लॉ है अब ध्यान दीजिए इक्वालिटी बिफोर लॉ का जब प्रिंसिपल दिया एवी डाई ने तो इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये क्या कहता है एवी डायसी एवी डाई कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होना चाहिए ऑफिसर्स को अगर डिस्क्रिशनरी पावर आप दे देंगे तो यह क्या करेगा यह डिस्क्रिशनरी पावर का मिस करेगा और जैसे विवेक की शक्ति है हमको अपना विवेक अप्लाई करके किसी चीज को लागू कराना है तो विवेक की शक्ति को हम अपने फेवर में यूज करेंगे अपने लोगों के लिए विवेक अप्लाई करेंगे और दूसरे के लिए हम विवेक अप्लाई नहीं करेंगे तो डिस्क्रिशनरी पावर एंड आर्बिट्रेरी पावर इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं प्रोफेसर एवी डायसी और ये कहते हैं कि अगर डिस्क्रिशनरी पावर कन्फर कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को तो इट अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ इक्वालिटी क्योंकि वेमेन फैंसी पे काम करेगा डिस्क्रिशनरी पावर को अपने लोगों को यूज करेगा ठीक है ना हालांकि उनको ये थोड़ा सा समझना चाहिए था कि डिस्क्रिशनरी पावर और आर्बिट्रेरी पावर में फर्क है स्वेच्छाचारिता से काम करना एक बात है और विवेक से काम करना दूसरी बात है तो विवेक से अगर हम काम कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं हाँ विवेक हो सकता है विवेक से काम करने में कहीं हमसे गलती हो सकता है लेकिन यह नहीं कि हम विवेक हमको ही नहीं किया जाएगा तो कानून में विवेक बहुत जरूरी है क्योंकि ऑफिसर को अगर विवेक नहीं, नहीं हर चीज कानून में लिखा नहीं हो सकता कानून साइंस नहीं है कानून मैथमेटिक्स नहीं है जिसको फार्मूला में आपने लिख दिया और फार्मूला पर चलता रहेगा ना कानून हमेशा का हमेशा ह्यूमन बिहेवियर को डील करता है जैसे ह्यूमन बिहेवियर ऊपर नीचे होगा फ्लक्चुएटिंग होगा कानून के प्रिंसिपल भी फ्लक्चुएटिंग होंगे इसीलिए प्रशासनिक को विवेक की बहुत जरूरी हैं नहीं तो क्या हो जाएगा न्याय का अन्याय भी हो जाएगा कहीं अचानक से कोई डिसीजन लेना है है पे कानून का है, तो अपने दिमाग लगा करके अपने विवेक से वो डिसीजन ले लेगा ताकि वो न्याय कर सके अब इस विवेक को कहते हैं है कि डिस्क्रिशनरी पावर क्या कन्फर करता है आर्बिट्ररी पावर हो जाता है क्योंकि जब आप उसको विवेक की शक्ति देंगे नियंत्रण और वह कुछ भी काम करेगा फिर ऑटोक्रेटिक हो जाएगा और फिर वह जनता के अधिकारों का दमन करेगा उनका यह कहना था तो यहां पे थोड़ा सा मिस कर दिया उन्होंने और थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया उन्होंने कॉन्सेप्ट को जिसमें उन्होंने डिस्क्रिशनरी पावर और आर्बिट्ररी पावर में फर्क को नहीं समझा पाए अदरवाइज जो उनका पहला कंपोनेंट है कि नहीं इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए तभी विधि का शासन होगा यहाँ तक तो सही है लेकिन डिस्क्रिशनरी और आर्बिट्रेरी पावर का जो फर्क है उनका जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी नहीं थी इसलिए उनके इस प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज़ किया गया तो ये पहला कॉम्पोनेंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ है कि नहीं है विधि के समक्ष क्षमता है कि नहीं है तब तो आपके पास विधि का शासन है दूसरा आइए आप दूसरा कहते हैं दूसरा कॉम्पोनेंट आपको देखना है विधि की सर्वोच्चता है कि नहीं है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ कानून सबसे सुप्रीम होना चाहिए अगर आपके देश में कानून सुप्रीम है इसका मतलब आपके देश में विधि का शासन है अगर आपके देश में व्यक्ति सुप्रीम है कानून उसका सबॉर्डिनेट है तो वहां पे विधि का शासन नहीं है तो कानून सुप्रीम होना चाहिए अब आप अगर देखेंगे कानून की सुप्रीमेसी क्या है कानून के ऊपर कोई नहीं होगा अगर आप ब्रिटिश प्रिंसिपल को ये कहाँ से निकल के आया देखिए जब आप देखेंगे ए बी आपने साहब ने ब्रिटेन में जब ये प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया तो वहां पे एक मैगजिम चलती थी किंग कैन डू नो रॉन्ग किंग कैन डू नो रॉन्ग राजा गलती नहीं कर सकता ध्यान दीजिए वहां पे सुप्रीम कौन है किंग सुप्रीम है इसका मतलब कि किंग जो भी करेगा वो सब लोग मानेंगे और किंग से ऊपर कोई नहीं होगा तो किसका शासन था व्यक्ति का शासन था किंग कैन डू नो रंग से पीड़ित होकर के सुप्रेमेसी आप दिलाओ होगा कानून सबसे ऊपर होगा व्यक्ति ऊपर नहीं होगा तो इस चीज को उन्होंने हिट करने का प्रयास किया उन्होंने कहा नहीं सुप्रेमेसी आप दिलाओ तो किंग कैन किंग भी रंग कर सकता है राजा भी गलती कर सकता है अब आप देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखें कुर्सी में बैठे हुए लोग भी जेल में बंद होते हैं ऐसा नहीं है आप राजा हैं आप राजा भी हैं फिर भी आप गलती कर सकते हैं हालांकि पावर आपको जनता ने दे दिया है इसका मतलब ये थोड़े आप पावर का मिस करेंगे और करेंगे तो आप भी जेल में जाएंगे तो सुप्रीमेसी आप दिला जरूरी है तो इनका कदा था कहना था सुप्रीमेसी दिला भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ है कि भाई सबसे बड़ा कानून देश में कौन है तो भारत का संविधान सबसे बड़ा कानून है संविधान के कंट्रावेंशन में कोई काम नहीं होगा कोई भी कानून ऐसा होगा जो संविधान के उल्लंघन में होगा तो उसको शून्य डिक्लेयर कर देगी जुडिशियरी क्योंकि यह न्यायपालिका को पावर दिया गया है जुडिशियल रिव्यू का पावर है न्यायपालिका को तो सुप्रीमेसी आपदिला है तीसरा है हमारे पास जो एवी आप बताते हैं कहते हैं प्री डोमेंस ऑफ लीगल स्प्रिट जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ध्यान दीजिए यहां पे उनके यहाँ क्या है अगर आप ब्रिटेन में देखेंगे एवीडाइसी ब्रिटिश प्रोफेसर हैं और ये ब्रिटेन में प्रिंसिपल प्रोपाउंड करते हैं और ब्रिटेन में क्या है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस चलते हैं अगर आप देखेंगे ना वहां पे लिखित संविधान नहीं है भारत के तरह से हमारे पास लिखित संविधान है उनके पास कन्वेंसन्स हैं वो कन्वेंशन कैसे निकल के आए हैं वो सारे कन्वेंशन कस्टम यूसेज ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी हैं जो उनके समाज में चलता रहा उसी को उन्होंने कन्वेंशन बना दिया और उसी कन्वेंशन के हिसाब से देश को चला दिया इसीलिए हम उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस उनके यहाँ अगर आप देखेंगे तो उनके यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर भी आपको नहीं देखेगा जैसे आप देखेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स सबसे बड़ी न्यायालय भी है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स लेजिस्लेचर का एक पार्ट भी है जैसे हमारी राज्यसभा है तो इस तरीके से वहां पर पावर भी आपको नहीं देखेगा आप तो सुप्रीम कोर्ट बन गई वहां पर भी तो डाइसिस आप जब ब्रिटेन में थे जिस समय ये थ्योरी उन्होंने प्रोपाउंड किया अठारह की बात है उस समय आप देखेंगे तो ये सारे प्रिंसिपल वहां पर प्रिवेल करते थे किंग कैन डू नो रॉन्ग इसके बाद लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का और जुडिशियरी का एक साथ आ जाना इस तरीके से स्वेच्छाचारिता वहां पे बहुत थी आर्बिट्रेरीनेस था डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज होता था इसलिए उस परिस्थितियों के बसीभूत होकर के और ए बी डायसी साहब ने इस तरीके से लिखा डिस्क्रिशनरी पावर आर्बिट्रेरी पावर और उन्होंने कहा कि नहीं सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ में ऐसा होना चाहिए तो उनके यहां जब उन्होंने प्रिंसिपल दिया कि प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट तो प्री डॉमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट इसलिए दिया क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑर्डिनरी लॉ का प्रोडक्ट है हमारे यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनरी लॉ का प्रोडक्ट नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है और सारे कानून कॉन्स्टिट्यूशन के सबॉर्डिनेट हैं और उनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ही सबॉर्डिनेट कानून से बनता है कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ उनका ये कहना है तो इस तीसरे प्रिंसिपल को जब आप देखेंगे तो भारत में आपको नहीं दिखाई

इक्वलिटी बिफोर लॉ दूसरा टेस्ट है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ और तीसरा टेस्ट है प्री डॉमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट

स्क्रीन पे आइए अर्थ महत्व और आवश्यक तत्व ये हम लोगों ने देखा विधि का शासन का अर्थ क्या है इसका महत्व तो क्या है और इसके आवश्यक तत्व तो क्या है तो आवश्यक तत्व में हम लोगों ने तीन चीज को देखा जैसे मैंने आपको बताया डाइसी साहब का प्रिंसिपल इक्वालिटी बिफोर लॉ दूसरा हम लोगों ने देखा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और तीसरा हम लोगों ने देखा प्रीडोमेंस प्री डॉमिनेस ऑफ लीगल स्पिरिट ये तीन इसके आवश्यक तत्व है और इसको क्रिटिसिज्म भी हम लोगों ने इसका देख लिया ठीक है अब आगे हम लोग स्लाइड पे चलते हैं देखिए विधि का शासन और भारत का संविधान अब इस विधि के शासन को जो डाइसी साहब ने ब्रिटेन में प्रोपाउंड किया है थोड़ा सा हम लोग इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करते हैं देखिए विधि का शासन और भारत का संविधान ध्यान दीजिए अब भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों को हम लोग उठाएंगे और उठाने के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन ऐसे संवैधानिक प्रावधान है जिसमें विधि का शासन हमारे यहाँ दिखता है तो देखिए सबसे पहले प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप भारत के संविधान के प्रस्तावना को ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है उसमें वो शुरू ये था वी द पीपल ऑफ इंडिया विदीपल ऑफ इंडिया अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री

हर एक शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना का विधि के शासन को इंगित करता है जैसे आप देखेंगे वी द पीपुल ऑफ इंडिया ध्यान दीजिए अभी हम देख रहे थे डाइसिस आप कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए भारत के संविधान की प्रस्तावना की बिगनिंग लाइन कहती है हम भारत के लोग इसका मतलब ये क्या है हम भारत के लोग में कहीं असमानता आपको नहीं दिख रही है चाहे उसमें प्रधानमंत्री हो चाहे उसमें पियून हो वो सारे एक साथ खड़े हैं और लिखा हुआ है हम भारत के लोग तो इससे ज्यादा समानता कहां पे हो सकती है तो सबसे बिगनिंग लाइन ही भारत के संविधान की समानता की बात करती है और चूंकि समानता है इसलिए विधि का शासन है जो एविडाइसिस आप कह रहे हैं तो इस तरीके से आपको समझ लेना होगा कि प्रियम्बल की बिगनिंग लाइन विधि के शासन को इंगित करती है क्योंकि हम भारत के लोग सारे एक साथ खड़े हैं और खड़े होकर के हमने क्या किया देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जिसको हम साबरेन स्टेट बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न साबर साबरेन कंट्री बना दिया हमने साबरेंटी अगर देश के अंदर है इक्वेलिटी होगी क्योंकि देश सॉवरेन है अपने हिसाब से कानून बनाएगा अपने लोगों के वेल well बीइंग के लिए कानून बनाएगा तो सॉवरेंटी होनी चाहिए अगर देश संप्रभु ही नहीं है देश दूसरे का गुलाम है वो दूसरे की तरफ बार बार देखता है तो क्या कानून बनाएगा वो कैसी इक्वलिटी इंप्लीमेंट करेगा तो विधि के शासन की अपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इंडियान स्टेट पॉइंट नंबर वन सॉवरेन सोशियलिस्ट ध्यान दीजिए जो नेक्स्ट पॉइंट है अगर आप देखेंगे प्रस्तावना में सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ये चार पांच इसमें स्टेट स्टेट ध्यान दीजिए समाजवादी राज्य क्या है समाजवादी राज्य वह है जिसमें सबके बीच में समानता का कॉन्सेप्ट हो कोई ऊंच नीच न हो और अगर ऊंच नीच हो तो राज्य उसको गैप को पटने का काम करे आप देखेंगे भाग चार में भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या है और उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर आप देखेंगे गाइडलाइंस दी गई है जिसमें संविधान निर्माताओं ने स्टेट को जिम्मेदारी दिया हुआ है जितने वीकर सेक्शन है इनको अपलिफ्ट करना है अपलिफ्ट करके इनको कहां पर ले जाना है सबको एक लेवल में लेके जाना है इसी को हम बोलते हैं सोशलिस्ट स्टेट तो समाजवादी राज्य है हमारा सावरिन स्टेट एंड सोशलिस्ट स्टेट हमारा समाजवाद कैसा है ध्यान दीजिए जो कंप्लीट इक्वालिटी की बात करता है हमारा समाजवाद मार्क्स का समाजवाद नहीं है हमारा समाजवाद गांधी का समाजवाद है अगर आप देखेंगे मार्क्स के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे जो मार्क्सिस्ट थ्योरी दिया था उसने क्या बोला था मार्क्स के थ्योरी को हम बोलते हैं डायलेक्टिक मेटेरियलिटिक्टिज्मिक और मार्क्स प्रभावित उसका कहना था डायलेक्टिक इंटरप्रटेशन दीजिए तो डायलेक्टिक इंटरप्रिटेशन को मार्क्स ने डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म में लेकर आया और मार्क्स क्या कहता है मार्क्स कहता है क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए वर्ग विहीन समाज होना चाहिए क्लासलेस सोसाइटी कैसे स्टेब्लिश होगी अगर मार्क्सिज्म को आप ध्यान से देखेंगे मार्क्स कहता है हिंसा होगी उसमें वायलेंस वायलेंस किस आधार पे होगा कथा है एक बुर्जुआ जी है और दूसरा क्या है पोलिटेरियट क्लास है जिसको आप बोलते हैं कैपिटलिस्ट क्लास और लेबर क्लास तो बुर्जुआ जी एक तरफ है और पोलिटेरियट क्लास अलग है बुर्जुआ जी जो है कैपिटलिस्ट क्लास है उसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो संख्या में बड़ा कम है और जो पोलिटेरियट क्लास है वो लेबर क्लास है संख्या में बहुत ज्यादा है लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है तो चूंकि वो संसाधन नहीं है वो संख्या में ज्यादा है तो बुर्जुआ जी को मार के भगा देगा और जब मार के भगा देगा तो जो 80 परसेंट लेबर है वही 100 परसेंट हो जाएगा और बुर्जिया जी को खत्म कर देगा मार देगा कैपिटलिस्ट को तो कैसा समाज हो जाएगा क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी वर्ग विहीन समाज हो जाएगा एक ही वर्ग होगा और किसका होगा वो वो होगा लेबर का वर्ग होगा उसको बोलता है प्लोरिटेरियन डिक्टेटरशिप का प्रिंसिपल दिया है मार्क्स ने प्लोरिटेरियन डिक्टेटरशिप सर्वहारा अधिनायकवाद का सिद्धांत ध्यान दीजिए तो मार्क्स का जो ये प्रिंसिपल था किस पे बेस्ड था क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है एक तरीके के सभी लोग होने चाहिए किसी में ऊंच नीच नहीं होना चाहिए बहुत अच्छा प्रिंसिपल है उसका लेकिन उसका प्रिंसिपल का जो रास्ता था रास्ता बड़ा गलत था वो कहता था हिंसा होगी और हिंसा के तहत क्लासलेस सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा जब भारत के संविधान की बात आई और जब हमारे यहाँ समाजवाद आया तो गांधी के प्रिंसिपल को हमने फॉलो किया हमने कहा हमारे यहाँ भी कंप्लीट समानता होगी लेकिन हमारी समानता किस पे बेस्ड होगी हमारी समानता नॉन वायलेंस पे बेस्ड होगी ध्यान दीजिए मार्क्स की समानता हिंसा पे बेस्ड थी और हमारी समानता जो है वो अहिंसा पे बेस्ड है दोनों का रास्ता एक ही है एंड रिजल्ट दोनों का एक ही है गांधी जी भी कहते हैं लास्ट माइन तक रिसोर्स पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया और लास्ट तक अगर रिसोर्स नहीं पहुंचा तो इसका मतलब समानता नहीं हुई तो लास्ट तक रिसोर्स कैसे पहुंचेगा उसके लिए हमको अहिंसा के माध्यम से जाना है गांधीयन मैकेनिज्म है और अहिंसा के माध्यम से कैसे आप जाएंगे तो गांधी जी का कॉन्सेप्ट है राम राज्य ध्यान दीजिए राम राज्य इसलिए आप देखेंगे भारत के संविधान में थ्री टीयर डेमोक्रेसी आपको दिखेगी एक तो दिल्ली में बैठी हुई पार्लियामेंट आपको दिखेगी हर स्टेट में बैठा हुआ लेजिस्लेचर आपको दिखेगा और गांव से शहरों तक आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और विलेज पंचायत आपको दिखेंगी अब आप इसमें देखेंगे लास्ट मैन का भी कॉन्ट्रीब्यूशन उतना ही है देश के निर्माण में जितना दिल्ली में बैठे हुए सरकार की है क्योंकि थ्री टीयर डेमोक्रेसी है दिल्ली से मामला विधानसभाओं में विधानसभाओं से पंचायत और म्यूनसिपालिटी तक जाता है तो इसको हम बोलते हैं इसीलिए आप देखेंगे भारत के संविधान में तिहत्तरवा और चौहत्तरवा संविधान संशोधन से पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कॉन्सेप्ट आया है ये गांधी का मॉडल था और गांधी के मॉडल में हमने समाजवाद को इस्टेब्लिश किया है तो ये क्या है गांधी का मॉडल क्या है कंप्लीट गांधी जी ने अब अगर आप गांधीजम को थोड़ा सा पढ़ें तो आपको दिख जाएगा विधि का शासन आपको दिख जाएगी समानता गांधी जी सूट बूट वाले थे में और वहां से जब उन्होंने दो भाग में धोती आज भी देखेंगे नंग फकीर चर्चिल उनको बोला करता था ऐसा क्यों था इसलिए कि भाई जब इनके पास नहीं है तो मेरे पास भी नहीं होगा हम सभी लोग समान होंगे तो आप उस हाइक को समझें कि किस हाइक पे हम थे और कितना मॉडल हमारा कितना रिच था और उस मॉडल को हिंसा भी नहीं हुई और हम समाजवादी राज्य की संकल्पना भी लेके आ गए अपने संविधान में हमारे यहाँ राइट की लड़ाई कभी नहीं हुई अगर आप देखेंगे रशियन रिवोल्यूशन को देख सकते हैं आप फ्रेंच रिवोल्यूशन को देख सकते हैं आप अमेरिकन रिवोल्यूशन को देख सकते हैं हर जगह राइट के लिए फाइट हुआ है हर जगह और खूनी क्रांति हुई हर जगह क्योंकि अधिकार की मांग हुई हर जगह अधिकार की मांग क्यों हुई क्योंकि कंप्लीट असमानता थी क्योंकि राजा उनका कैसा था बड़ा बारबरिक था बहुत ही दुष्ट राजा था किंग जॉन को देखें मैगना कार्टागर बारह सौ पंद्रह का आप इतिहास पढ़ेंगे किंग जॉन बार्बरिक किंग था वह लोगों के अधिकार का दमन करता था इसलिए जनता सड़क पर आ गई खूनी क्रांति हुई कितने लोगों के जान गई इसके बाद महा अधिकार पत्र बारह की घोषणा हुई लेकिन क्या भारत में दस हजार पुरान साल पुरानी आपकी सभ्यता है लेकिन इसमें कभी आपने पढ़ा है कि नहीं इंडियन रिवोल्यूशन हुआ है कभी अधिकार के लिए नेवर एवर नेवर एवर आप मिल ही नहीं सकता आपको इतिहास में जहां पे अधिकार के लिए कभी रिवोल्यूशन हुआ इस देश में क्यों नहीं हुआ क्योंकि हमारा राजा इतना आइडियल था जो कि जनता के लिए सब कुछ समर्पित कर देता था केवल आप राम राज्य से ही ना देखें इसको राम तो एक आइडियल किंगडम था ही राम राज्य लेकिन राम राज्य के अलावा आप देखेंगे तो आपके पास सीरीज ऑफ किंगडम मिलेंगे जहां पर राजा बहुत ज्यादा त्यागशील राजा था आप हरिश्चंद का एग्जाम्पल पढ़ लें आप महाराज सिवी का एग्जाम्पल पढ़ लें एक दो नहीं आप देखेंगे तो प्लेथरा ऑफ किंगडम यू कैन फाइंड लाइफ फॉर दैलबींग ऑफ द पीपल इसलिए भारत के इतिहास में आप देखेंगे तो राइट के लिए लड़ाई कभी नहीं हुई है और इसलिए हमारे पास समानता थी

सोलमनली रिजॉर्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू अबरेन एंड सोशियलिस्ट कंट्री तो आपका दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमारा समाजवाद एक विचित्र समाजवाद है एक अलग तरीके का समाजवाद है जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है अब वो अलग बात है कि गंदी पॉलिटिक्स के कारण कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स देश में चल पड़ी है या चली भी है या बहुत हुई भी है जिसमें बहुत हिंसा भी हुई है जिसमें रिजर्वेशन को लेकर के भी जाति और जाति के बीच में लड़ाइयां हुई हैं वैटी तो डिफरेंट मैटर वो एक काला अध्याय के रूप में आप देख सकते हैं उसको इमरजेंसी का एरा था सब कुछ था एक बार दो बार नहीं कई घटनाएं ऐसे हैं लेकिन राइट के लिए जो उस तरीके का रिवोल्यूशन है वो ऐसा भारत में बड़ा कम देखने को मिला है अगर राजनीति से प्रेरित नहीं है तो जनता कभी सड़क पे नहीं उतरी इसलिए कि किंग हमारा बारबरिक नहीं था किंग हमेशा हमेशा का हमेशा, हमेशा आइडियल रहा है जिसको गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के सेप में ले आए हैं ठीक है तो ये सावरेन सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री अब तीसरा प्रियम्बल में अगर आप देखेंगे सेकुलर कंट्री है हम धर्मनिरपेक्ष राज्य है इससे ज्यादा समानता कहां पे होगी आप देखिए इतना प्युलर नेशन है इतनी प्युलरिटी है आपके पास विभिन्नता में एकता ठीक तो विभिन्नता में एकता ये, ये केवल स्लोगन नहीं है ये बहुत बड़ी बात है आपको मैं बताऊं इतना ज्यादा विभिन्नता होने के बाद भी रिलीजियस डाइवर्सिटी आप देखिए आपके पास मुस्लिम्स हैं आपके पास क्रिश्चियंस हैं आपके पास सिख हैं आपके पास जैन हैं आपके पास बौद्ध हैं आपके पास प्रार्थना समाज है आपके पास आर्य समाज है और हिंदू तो बहुलतावादी है ही लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो भारत का संविधान कितनी शांतिपूर्वक सबको धार्मिक स्वतंत्रता देता है अगर आप आर्टिकल ट्वेंटी फाइव को ध्यान से पढ़ें उसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी एंड हेल्थ एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैव राइट टू रिलीजन और रिलीजन में दो तरीके का रिलीजन है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और फ्रीडम ऑफ प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोबोगेट रिलीजन तो कायदे से अगर आप आर्टिकल 25 को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा उसमें कितनी ब्यूटीफुली उसको ड्राफ्ट किया गया है निर्माताओं के द्वारा जिन्होंने रिलीजियस फेटर्निटी को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया है इसलिए आप देखेंगे स्वतंत्रता के अस्सी साल के बाद भी आप देखेंगे रिलीजियस रिवोल्यूशन नहीं हुआ है अगर राजनीति से प्रेरित न हो तो रिलीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ क्लैश नहीं है इतने धर्मों के बाद भी आप देखेंगे वेस्ट में मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूंगा इस पब्लिक फोरम पे लेकिन आप देखेंगे वेस्ट में बहुत ऐसी कंट्री है जहां पे एक ही रिलीजन है लेकिन कुछ नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट की लड़ाई है और आप देखेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर के संविधान में प्रावधान उनको बनाना पड़ा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कानून उनको बनाना पड़ा है नहीं तो उनके यहाँ रिवोलूशन हुआ है कई बार अगर आप मैसाचुसेट्स की बात करें एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स में वहां पे फुल मैन स्ट्राइक भी हो गया था जब क्लीवलैंड वॉज द प्रेसिडेंट तो आप देखेंगे आप बहुत काला अध्याय देख सकते हैं उनके यहाँ लेकिन भारत जैसे देश में जहां इतनी बहुलतावादी है लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बड़ी शांति से देश चलता है और हम अपने सेकुलरिज्म को कितना बढ़िया सजो के रखे हुए हैं तो इस तरीके से विधि का शासन अगर किसी को सीखना है तो भारत के संविधान के प्रियम्बल से सीख सकता है तो साबर इन सोशियलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री इसका क्या मतलब है डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब हम सब का कॉन्ट्रीब्यूशन है सरकार को बनाने में कोई भी दिल्ली में नहीं बैठ सकता जब तक हम सारे 140 करोड़ नहीं चाहेंगे तो हम चाहेंगे तभी कोई बनेगा दिए डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा शासन है हमारे लिए है और हमारे वेलबींग के लिए हम ही शासन कर रहे हैं कोई तीसरा हमारे पे शासन नहीं कर रहा है तो हम ऑटोक्रेटिक स्टेट, स्टेट नहीं है हम नार्केल स्टेट नहीं है हम डेमोक्रेटिक स्टेट हैं और रिपब्लिक स्टेट हम सबसे अलग रिपब्लिक है हमारा जहाँ पे हेरिडेटरी मोनार्क नहीं है हमारा प्रेसिडेंट नहीं हमारा प्रेसिडेंट सेलेक्टेड इंडिविजुअल है जो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं जाता वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से जाता है और वो इलेक्टेड इंडिविजुअल है बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री इनडायरेक्टली तो ऐसा नहीं है कि हेरिडेटरी मोनार्क है कि उनका बेटा होगा तो वो ताज बनेगा फिर उनका बेटा होगा तो वो ताज बनेगा ना हमारा प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड फंक्शनरी है इनडायरेक्टली बाई द पीपल ऑफ़ दिस कंट्री तो अगर आप पांच गोल्डन प्रिंसिपल को संविधान में देखेंगे सावर सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री ये आपको विधि के शासन की तरफ लेके जाएगा और इससे बढ़िया विधि का शासन आपको किसी भी संविधान में नहीं दिखेगा इसके अलावा प्रियंबल को थोड़ा और आगे आप बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है जस्टिस टू ऑल सबको न्याय मिलना चाहिए कैसी जस्टिस जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ध्यान दीजिए अब भारत के संविधान में जो तीनों की की बात की गई है न्याय महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई अगर न्याय से लोगों का विश्वास उठ गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि जब तक हमको ये सुरक्षा है जब तक हम अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं कि नहीं न्यायपालिका हमारे अधिकारों का संरक्षण करेगी तब तक तो हम खुश हैं लेकिन जैसे हमको लग गया कि न्यायपालिका हमारे अधिकारों का संरक्षण नहीं करेगी हमारी प्रॉपर्टी चली जाएगी हमारा जीवन चला जाएगा तो हम आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे लेकिन अगर यह रहता है कि नहीं भाई अगर हम हमारी जमीन ले लेंगे कोई बात नहीं मुकदमा फाइल करके अपनी जमीन वापस ले लेंगे अगर ये विश्वास है हमारे अंदर उस देश में रिवोल्यूशन नहीं होगा तो इसलिए ये जस्टिस टू ऑल ये जो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ जस्टिस इधर सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तो ये जो तीनों कंपोनेंट है जस्टिस का प्रीएम्बल में किस चीज की तरफ इंगित करता है विधि के शासन के तरफ एन आर की नहीं करना है कानून का शासन है अगर कोई आपके अधिकारों का हनन करता है तो कोई बात नहीं है उसके लिए उपचार की प्रबंध हमारे कानूनों में है और उस उपचार के लिए जुडिशरी तत्पर है न्याय देने के लिए आप न्यायिक निर्णयों की बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ऐसे न्यायिक निर्णय लैंडमार्क डिसीजन है जिनको विदेशों में भी कोर्ट किया जाता है कि इतने गोल्डन प्रिंसिपल भारत की न्यायपालिका ने दिया है तो ये सारे जस्टिस के कॉन्सेप्ट हैं हमारे यहां जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी आप देखिए लिबर्टी ये क्या है विधि का शासन है लिबर्टी टू ऑल कैसी लिबर्टी लिबर्टी ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप ध्यान दीजिए लिबर्टी ऑफ थॉट लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप कुछ भी बोलना स्वतंत्र रूप से बोलना किसी भी तरीके से किसी के दबाव में न आना मर्यादाओं में रह करके अपने बातों को रखना ये सारी स्वतंत्रता हमको कन्फर की गई है तो ये प्रियम्बल में सब कुछ लिखा हुआ है तो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी फिर देखिए अब जो ए डायसिस आप कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ का पहला कॉम्पोनेंट होगा विधि के समक्ष समता वो आप में देखिए इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की प्रास्थिति बराबर होगी ऐसा नहीं होगा कि कोई राजा होगा कोई प्रजा होगी ना राजा प्रजा का कॉन्सेप्ट नहीं है सभी लोगों की प्रास्थिति सभी लोगों की स्थिति क्या होगी सब सिटीजन होंगे भारत के हम सारे भारत के लोग हैं हम सारे भारत के सिटीजन है पद अलग हो सकता है एक आदमी का दूसरे आदमी का वो दूसरी बात है लेकिन सिटीजनरी आधार पे हम कोई ना ऊंचा है ना कोई बड़ा है वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट का है ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा अधिकारी है तो उसके वोट की वैल्यू दस है और कोई रिक्शा पुलर है तो उसके वोट की वैल्यू एक है ऐसा नहीं है सबके वोट की वैल्यू इतनी है जिससे गवर्नमेंट बनती है दिल्ली में बैठ करके या विधानसभाओं में बैठ करके तो इसको हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ध्यान दीजिए अवसर की समानता है आपके पास ऐसा थोड़े है कि प्रोफेसर का लड़का प्रोफेसर बनेगा जज का लड़का जज बनेगा ऐसी बात नहीं है इवन किसान का लड़का भी अधिकारी बनेगा और बनता है आप देखेंगे यूपीएससी का एग्जाम होता है आप देखें फर्स्ट टॉपर कहां से आता है सेकेंड टॉपर कहां से आता है आप इतिहास उठा के देख सकते हैं कहने का मतलब यह है। ये जितने प्रिंसिपल आपके प्रियम्बल में दिख रहे हैं अब इसको बहुत ज्यादा लिंगर न करके मैं आगे भी बढ़ूंगा तो आप देखेंगे ये सारे विधि के शासन की तरफ इंगित करते हैं जो डायसी का प्रिंसिपल था इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ तो ये सब में जाता है प्रियम्बल का तो ये भारत के संविधान में अगर विधि के शासन को खोजेंगे सबसे पहला टूल है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं अब आगे जाइए देखिए आगे कहा मिलेगा दूसरा ये पहला था प्रियम्बल दूसरा आप देखिए फंडामेंटल राइट्स ध्यान दीजिए मूल अधिकारों को देखें थोड़ा सा आप मूल अधिकारों में आप देखेंगे तमाम ऐसे मूल अधिकार हैं जहां पे आपको विधि का शासन दिखने लगेगा जैसे आर्टिकल फोर्टीन इक्वालिटी आर्टिकल फोर्टीन से लेके एटीन तक पूरे को देखिए डायसिस आप क्या कहते हैं आपके देश में विधि का शासन है कि नहीं है इसका टेस्ट क्या है वो कहते हैं इसका टेस्ट ये है कि आपके देश में समानता है कि नहीं आप भारत के संविधान को देखेंगे हमारे पास पहले सात मूल अधिकार हुआ करते थे जिसमें संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार था अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा करके संवैधानिक अधिकार हो गया आर्टिकल थ्री हंड्रेड कैपिटल लेकिन आज आपके पास छह मूल अधिकार हैं और छह में से सबसे बड़ा मूल अधिकार है समानता का अधिकार जो आर्टिकल चौदह से लेकर के आर्टिकल अठारह तक है अब इसमें आप देखेंगे कायदे से तो डायसी का जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है डायसी थोड़ा जरूर कंफ्यूज है अपने रूल ऑफ लॉ को ब्रिटेन में जब प्रोपाउंड किए हैं तो लेकिन हमारा संविधान थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं है हमारा संविधान क्या कहता है आर्टिकल फोर्टीन स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया ये लिखा हुआ है राज्य किसी को भी डिनाई नहीं करेगा किस चीज के लिए विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण में पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी को डिनाई नहीं करेगा ध्यान दीजिए अब विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण ये दो चीज क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये दोनों फ्रेज आ गए आप देखेंगे दोनों को बड़े ध्यान से ये छोटे छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है एक का ब्रिटिश ओरिजिन है और दूसरे का अमेरिकन ओरिजिन है जब भारत का संविधान बनने लगा बी एन राउ एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अगर आप थोड़ा संवैधानिक इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा बी एन जो थे थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई फंडामेंटल राइट और सारे कॉन्सेप्ट जो संविधान में ले आने हैं तो आप विश्व के संविधानों को पढ़ें और पढ़ करके आप अपना ओपिनियन दें और आप बताएं कि कहां से कौन अच्छा प्रावधान है जिसको हमको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए तो बी राव साहब ने विश्व के प्रोमिनेट जो कंट्रीज थे उनके संविधानों को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने राय दिया जब समानता के अधिकार की बात आई तो उन्होंने देखा कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन में लिखा हुआ था केवल एक लाइन लिखा हुआ था इक्वेलिटी बिफोर लॉ और अमेरिका के संविधान में केवल एक लाइन लिखा हुआ था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज तो उनके में एक था इनके में एक था जब बीएन राव साहब ने कहा कि भाई ये दोनों अपने आप में डिफेक्टिव हैं अगर अकेले रहेंगे तो दोनों डिफेक्टिव हैं और दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे तो ये बड़े कॉन्स्ट्रक्टिव हो जाएंगे तो बीएन एन राउ साहब ने कहा कि हमारा इक्वालिटी कैसी होगी हमारी इक्वलिटी में दोनों बात होगी तो इसलिए आप आर्टिकल चौदह को जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ इक्वालिटी बिफोर लॉ प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ दी लॉज तो मैंने विधि के समक्ष समता होगी लेकिन क्या सारे समान हो जाएंगे भारत का प्रेसिडेंट तो तीन कमरे के घर में रहता है तो क्या सबको तीन कमरा आप मुहैया करा पाएंगे ऐसा नहीं होगा और केवल अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ आप लिखेंगे तो फिर अगर नहीं मुहैया कराएंगे तो उसका वायलेशन हो जाएगा इसलिए दूसरा फ्रेज उसको रेगुलेट करता है कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ बट एट द सेम टाइम स्टेट सेल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज इक्वालिटी अमोग इक्वल होगा समान के बीच में समान व्यवहार किया जाएगा एक ग्रुप जो होगा उस ग्रुप में क्लास लेजिस्लेशन नहीं होगा रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा अब इस इक्वालिटी को लेकर के चूंकि समय बड़ा कम है इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं जा सकता नहीं तो हमारी जो इक्वालिटी है बड़ी रिच इक्वालिटी है आप देखेंगे समानता का अधिकार बड़ा रिच है भारत के संविधान में जब ये आया तो इसमें इंटरप्रिटेशन को लेकर के दिक्कत आ गई कैसे सिक्योर करेंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है कैसे सिक्योर करेंगे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ दी लॉ जाए देश के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरवीन किया कई जुडिशियल डिसीजन है बिना नाम लिए मैं आपको बताऊँ सबसे पहला प्रिंसिपल जब आया सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई एक टेस्ट मैं ले डाउन करता हूं और उस टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं इक्वलिटी राज्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस टेस्ट का नाम था रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए युक्त युक्त वर्गीकरण होना चाहिए समान के बीच में समान व्यवहार होना चाहिए स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स एक कैटेगरी में होंगे टीचर्स हैं एक कैटेगरी में होंगे प्रशासनिक अधिकारी हैं एक कैटेगरी में होंगे इनको बोलते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन लेकिन क्लास लेजिस्लेशन नहीं होगा कि पंडित जी के लिए यह कानून होगा शेड्यूल कास्ट के लिए ये कानून होगा क्लास लेजिस्लेशन नहीं होगा बल्कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा तो यह सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल दिया था रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट इंटेलिजिबल डिफरेंसिया होना चाहिए और उस डिफरेंसिया का ऑब्जेक्ट जो है वो सट टू बी अचीव्ड बाई द लेजिस्लेशन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट था इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा लीडिंग केस आया स्टेट ऑफ तमिलनाडु उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेरीनेस का कॉन्सेप्ट लेके आई सुप्रीम कोर्ट कथिया इक्वलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है इसको देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा क्या आर्बिट्रेरीनेस तो नहीं है स्वेच्छाचारिता तो नहीं है अगर राज्य स्वेच्छाचारिता नहीं करता है इसका मतलब राज्य इक्वलिटी कर रहा है

कती है मत करो डिस्क्रिमिनेशन राज्य डिस्क्रिमिनेशन न करे राज्य विभेद न करे किस आधार पे इन सारे आधार पे आपको विभेद नहीं करना है रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ इस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन और कोई भी विभेद नहीं होगा और अगर आप विभेद नहीं करेंगे इक्वलिटी हो जाएगी लेकिन जब इस आधार पर आप विभेद करेंगे तो इक्वलिटी नहीं होगी आर्टिकल सोलह कहता है अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मामला है तो वहां पे फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा राज्य के तरफ से मीन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ डिसेंट एंड रेजिडेंस ठीक है कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं के आप रहने वाले हैं कहीं भी आप नौकरी पा सकते हैं क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं सिंगल सिटीजनशिप अमेरिका की तरफ से तो कुल मिलाकर हमारी बड़ी, बे है, जब आया, छुआ बहुत चरम पे थी, के समय राज्य करो वाली पॉलिटिक्स थी वेस्ट की जिसमें हम भी बटे हुए थे और कास्ट कास्ट का पॉलिटिक्स होता था इसको लेकर के आर्टिकल सत्रह में लिख दिया गया एवोल्यूशन ऑफ अनटचिलिटी और इसको लेकर सिविल लेजिस्लेशन और क्रिमिनल लेजिस्लेशन आप देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट पास हो गया 1955 का और हमने इसको भी बहुत हद तक कर्टेल करने का और कम करने का प्रयास किया अब इक्का दुक्का उदाहरण आपको दिखेगा अदरवाइज आप इस मामले में हम बहुत आगे निकल गए आर्टिकल 18 को आप देखेंगे ओबलेशन आप टाइटल जब ब्रिटिशर्स थे वो टाइटल कन्फर किया कर सकते थे करते थे सर की उपाधि देते थे वो राय बहादुर की उपाधि देते थे और उपाधि दे करके जो इंटेलेक्चुअल क्लास था उसको अपने तरफ मिलाते थे और पूरे कंट्री पे रूल करते थे अगर आप लगान पिक्चर देखे होंगे तो आप ब्रिटेन का वो सारा चीज बांटो और राज्य करो वाला आपको दिखेगा इसको आर्टिकल अट्ठारह में आकर के खत्म कर दिया गया कि नहीं कोई टाइटल किसी को कन्फर्म नहीं की जाएगी एक्सेप्ट एकेडमिक एंड मिलिट्री डिस्टिंक्शन तो उसमें जैसे परम वीर चक्र है ये वीरता के लिए वो पुरस्कार है लेकिन उसको टाइटिल हम ना माने ठीक है ना तो वो एक एक्सेप्शन है अदरवाइज कोई टाइटिल किसी को नहीं मिले केवल एक टाइटिल होगी देश में वो सिटीजनरी टाइटिल होगी तो इस तरीके से अगर इक्वालिटी जो पहला कॉम्पोनेट है विधि के शासन का अगर इसको आप देखेंगे डायसी के प्रिंसिपल का तो भारत के संविधान में इसकी बड़ी बृहद संकल्पना है आर्टिकल चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह बड़ी बृहद संकल्पना है प्रियम्बल से लेकर के सारा आप देखेंगे तो ये पहला कॉम्पोनेंट आपको देखेगा जो पूरे विधि के शासन को इंगित करता है भारत के संविधान में इसके अलावा आप आएंगे आर्टिकल नाइनटीन पे अगर अनुच्छेद उन्नीस में आप आएंगे स्वतंत्रता का अधिकार है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात है जिसमें फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन है जिसमें रेजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया है जिसमें प्रोफेशन ऑकुपेशन ट्रेड एंड बिजनेस है थ्रू आउट द कंट्री ये सब फ्रीडम है हमारे पास हम कुछ भी बोल सकते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम कहीं भी रह सकते हैं हम कहीं भी घूम सकते हैं हम कोई एसोसिएशन पार्टी पॉलिटिकल पार्टी हम बना सकते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे ऊपर ठीक है ये सारे आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार ये स्वतंत्रता का अधिकार किस चीज की बात करता है विधि के शासन में क्या है कानून का शासन होना चाहिए फेयरनेस होना चाहिए रीजनेबलनेस होना चाहिए आर्टिकल नाइनटीन में लिखा हुआ है ये सारे स्वतंत्रता आपको मिले हुए हैं लेकिन इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या मतलब आप बोलेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं वो डिसेंसी के अगेंस्ट तो नहीं है के अगेंस्ट तो नहीं है पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट तो नहीं है किसी का डिफेमेशन तो नहीं हो रहा है और कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो उत्पन्न नहीं हो रही है ये सारी चीजें उसमें लिखे हुए हैं तो मैंने आपको स्वतंत्रता भी मिली हुई है लेकिन स्वतंत्रता के लिमिटेशन भी है और वो लिमिटेशन कैसे है रीजनेबल लिमिटेशन है तो विधि का शासन किस चीज को इन करता है रीजनेबल लिमिटेशन रीजनेबलनेस को इन करता है तो रीजनेबलनेस आपके आर्टिकल 19 में दिखेगा क्योंकि आदमी का शासन होगा तो रीजनेबल नहीं भी हो सकता है लेकिन विधि का शासन होगा तो कैसा होगा रीजनेबल होगा तो रीजनेबलनेस आर्टिकल नाइनटीन में है

कानून में ये सब किस चीज़ की बात करता है यह विधि के शासन की बात करता है अगर आदमी होगा वो अनजस्ट हो सकता है आदमी होगा अनफेयर हो सकता है आदमी होगा अनरीजनेबल हो सकता है लेकिन जब विधि का शासन होगा तो विधि तो सबके ऊपर समान रूप से लागू होगी तो उसमें हमेशा जस्टनेस फेयरनेस और रीजनेबलनेस होगा जो आर्टिकल ट्वेंटी में विद्यमान है हमारे यहाँ ठीक है इसी तरीके से आर्टिकल 20 में आप देखेंगे जो अक्यूज को फंडामेंटल राइट right देता है बड़ा अजूबा संविधान है हमारे देश का जिसमें इवन वो बंदा जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज लगे हुए हैं उसको भी फंडामेंटल राइट right देता है आर्टिकल ट्वेंटी में आप देखेंगे तीन प्रिंसिपल है आर्टिकल ट्वेंटी क्लास वन आर्टिकल ट्वेंटी क्लास टू आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री आर्टिकल ट्वेंटी क्लास वन में आप देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं एक्सपोस्ट फैक्टोलॉज ध्यान दीजिए उसमें दो प्रिंसिपल हैं प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट किसी को उस काम के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जो काम जब वो किया है तो उस समय ऑफेंस नहीं था जैसे मान लीजिए चोरी की परिभाषा 1860 में मैकाले ने जब आईपीसी बनाया तो चोरी की परिभाषा आ गई मान लीजिए चोरी ऑफेंस ही नहीं है और मैं चोरी करता हूं मैं किसी दूसरे की सामान ले लेता हूं और चोरी ऑफेंस ही नहीं है तो क्या उसके लिए मैं लाइबल किया जाऊंगा ना आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है पहले आप ऑफेंस बनाइए अगर हमारा कार्य अपराध की श्रेणी में आता है तभी हम अपने कार्य के लिए दंडित किए जाएंगे अगर हमारा कार्य अपराध के श्रेणी में ही नहीं आता तो उसके लिए आप हमको दंडित नहीं कर सकते और मान लीजिए हमारा कार्य मैंने आज किया और कल हमारा कार्य अपराध की श्रेणी में आ गया आज तो नहीं था कल आ गया तो जो मैं कर चुका हूं जब मैं किया था उस समय तो अपराध नहीं था तो कोई बात नहीं है हमको कोई दंड नहीं मिलेगा हो सकता है कल आ गया इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आप और प्रिंसिपल ऑफ ऑफ और पनिशमेंट कहता है जितना क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जब मैं काम किया जितना प्रिस्क्राइब उतना ही हमको मिलेगा जैसे मान लीजिए मैं चोरी आज करता हूं और आज मैक्सिमम चोरी के लिए तीन साल की व्यवस्था है लेकिन आज मैं चोरी कर लिया कल पार्लियामेंट ने संशोधन कर दिया आईपीसी में और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बढ़ा के दस साल कर दिया तो हमको जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगा वो तीन साल मिलेगा क्योंकि जब मैंने किया था उस समय मैक्सिमम कितना था थ्री इयर्स और कल बढ़ करके वो दस साल हो गया तो उससे हमसे क्या मतलब हमको वही मिलेगा जो जब मैं किया था जितना था इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट तो एक्यूज को बेनिफिट देता है आर्टिकल ट्वेंटी क्लास वन इसको एक नाम से जानता है एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज आर्टिकल ट्वेंटी क्लास टू में है डबल जीओ पार्टी एक अपराध के लिए केवल एक बार ट्रायल होगा और एक बार दंड दिया जाएगा बस ऐसा नहीं एक अपराध के लिए दो बार ट्रायल होगा और दो बार दंड दिया जाएगा नहीं एक अपराध के लिए एक बार ट्रायल और एक बार दंड दिया जाएगा डबल जीओ पार्टी और लास्ट में सेल्फ इनक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 क्लास थ्री सेल्फ इनक्रिमिनेशन नो वन शुड बी कंपेल्ड टू बिकम विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ किसी को आप जबरदस्ती उसके खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं करेंगे उसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं आप देखेंगे पुलिस वाले आते हैं इंट्रोगेशन करते हैं आपसे आप मन करेगा जवाब दें मन करेगा जवाब ना दें ऐसे भी पुलिस के सामने कन्फेशन भी उसका कोई महत्व नहीं इंडियन एविडेंस एक्ट में तो और मजिस्ट्रेट के सामने भी आप जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने आप कुछ नहीं बोलते हैं आप चुप रहते हैं कुछ नहीं होगा कोई नहीं आपको कंपेल कर सकता कि आप बोलिए आपने मर्डर किया है कि नहीं किया है तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनक्रिमिनेशन इवन आप ब्लड टेस्ट की बात करें आप हेयर टेस्ट की बात करें आप बॉडी में और कोई टेस्ट की बात करें नार्को एनालिसिस बोलते हैं ब्रेन मैपिंग है पॉलीग्राफी टेस्ट है ये कोई भी टेस्ट आपका आपके इच्छा के बगैर नहीं होगा अगर आप इच्छुक होंगे तभी होगा ये सब संरक्षण आपको दिया गया है आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री में जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इनक्रिमिनेशन का प्रिंसिपल तो ये विधि के शासन का हाइक है आपके संविधान में जिसमें उस बंदे को भी राइट कन्फर किया गया है जो किसी अपराध का आरोपित है उसको भी कानून क्या मान के चलता है निर्दोष मान के चलता है प्रिजम्सन आप इनोसेंस बोलते हैं इसको जब तक उसका गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित न हो जाए न्यायालय में तब तक कानून उसको निर्दोष मानता है ठीक है ना तो इतना ज्यादा रूल ऑफ लॉ आपके पास है जिसमें डायसी ने जो इनविसेज नहीं किया होगा वो सारे भारत के संविधान में आपको दिख जाएगा तो अगर इसको आप ऐसे देखेंगे कि विधि का शासन और भारत का संविधान तो इसमें प्रियम्बल में हम लोगों ने देख लिया फंडामेंटल राइट देख लिया हम लोगों ने अब फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर आप आएंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आएंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आपको देखेगा कि इसमें बहुत ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट की बात है जैसे हम कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ तो इक्वलिटी कैसे आएगी जब आप लेबर को भी अपलिफ्ट करेंगे जब आप वुमेन को भी अपलिफ्ट करेंगे जब आप बच्चे को भी अपलिफ्ट करेंगे जब आप एस सी को भी अपलिफ्ट करेंगे जब आप रिलीजियस माइनॉरिटी को भी अपलिफ्ट करेंगे ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आप देखेंगे इवन नॉन लिविंग क्रिएचर को भी अपलिफ्ट करेंगे भारत तो ऐसा देश है जहां नदियों की पूजा होती है जहाँ पत्थर की पूजा होती है ये ऐसा देश नहीं है केवल लिविंग क्रिएचर के लिए काम करता है ये तो नॉन लिविंग बींग के लिए भी काम करता है आज से नहीं सदियों से आप देखेंगे पानी की भी पूजा हम करते हैं हम पत्थर की पूजा करते हैं जिसके अंदर प्राण नहीं है हम पत्थर में भी प्राण डाल देते हैं हम तो ऐसे देश हैं तो यहां पे अगर आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वो सब लिखा हुआ है लिविंग क्रिएचर्स रिवर्स फॉरेस्ट इस सब के प्रोटेक्शन के लिए इवन एग्रीकल्चर हस्बेंड्री सबके एप्लिपमेंट के लिए राज्य के ऊपर जिम्मेदारी है राज्य सब करेगा तो विधि के शासन की हाइक है भारत के संविधान में तो ये जो टॉपिक हमारा था भारत का संविधान और विधि का शासन बहुत लंबा हम इसको नहीं लेके जा सकते क्योंकि टाइम कांस्टेंट है हमारे पास लेकिन अगर आप इसको कायदे से देखें तो भारत के संविधान के हर एक प्रावधान में डायसी का विधि का शासन आपको दिख जाएगा ठीक है अगली स्लाइड पर चलते हैं थोड़ा देखें आप अगली शासन है अगली स्लाइड है विधि का शासन संरक्षण और प्रवर्तन विधि के शासन का प्रवर्तन कैसे किया जाएगा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है विधि के शासन को अगर प्रवर्तित कराना है तो इसको हम कैसे कराएंगे तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत मैकेनिज्म है इसके लिए हमारे पास मैकेनिज्म है जैसे आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 142, आर्टिकल 141, आर्टिकल 13, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स मतलब कुछ जो बड़ी प्रोमिनेंट आर्टिकल है भारत के संविधान की मैं यहाँ पे जिक्र करूं इस तरीके से विधि के शासन को संरक्षित किया गया है अगर हमारे अधिकारों का हनन कर देता है राज्य तो हम इसको संरक्षित करा सकते हैं रिट के थ्रू हम सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे आर्टिकल 32 में हम हाई कोर्ट चले जाएंगे आर्टिकल 226 में हम और भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज हमारे पास हैं कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो कि मूल अधिकारों को उल्लंघन करेगा आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है तो ये सारे प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को लॉ डिक्लेयर करने का पावर है आर्टिकल 141 में आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस कर सकती है कंप्लीट जस्टिस करने में कोई भी आर्डर पास कर सकती है कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकती है ये सारे पावर सुप्रीम कोर्ट को प्रदान किया गया है किस चीज के लिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल तो इस तरीके से जो विधि के शासन की बात है कि नहीं विधि से देश चलेगा व्यक्ति से देश नहीं

पुराने जमाने से आप देखेंगे हमारे यहाँ विधि के शासन की संकल्पना थी भले हम उसको विधि के शासन के रूप में न हो हमारे हम उसको दूसरे रूप में जानते थे लेकिन विधि के शासन की संकल्पना हमारे यहाँ पहले से भी थी और इसको हम बहुत अच्छे से मानते थे विधि हाँ, के शासन का जो डेवलपमेंट हुआ कोक और एवी डाइसी के थ्रू हुआ और साहब ने इसमें तीन प्रिंसिपल लेट डाउन किया जो बहुत ही गोल्डन प्रिंसिपल है बहुत ही अनुकरणीय है है और इसका अनुकरण किया भी जाता है, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड ऑफ लीगल स्पिरिट तो हम लोगों ने देखा इसमें दो प्रिंसिपल तो भारत में है तीसरा प्रिंसिपल भारत में नहीं मिलता लेकिन ये दोनों प्रिंसिपल को जब हम लोगों ने देखा हम लोगों ने देखा कि भारत के संविधान में बड़े बखूबी रूप से ये सारा कुछ समाहित है और कई जुडिशियल डिसीजन है जिसमें रूल ऑफ लॉ को इंटीग्रल पार्ट माना गया है भारत के संविधान का और हम लोगों ने देखा इसको संरक्षित कैसे किया गया इसका प्रवर्तन कैसे करेंगे तो भारत के संविधान में कई ऐसे आर्टिकल हम लोगों ने देखा जिसमें हम इसको संरक्षित और प्रवर्तित करा सकते हैं विद हेल्प ऑफ रिट्स जिसमें रिट आप ट ऑफ क्यूर रेट ऑफ प्रोहबरीट है जिससे आप फंडामेंटल राइट right को प्रवर्तित करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास इनर पावर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस कर सकती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट लॉ डिक्लेयर कर सकती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल तो इस तरीके से विधि के शासन को प्रवर्तित कराने के लिए जुडिशियरी के पास नॉर्मस पावर है इसलिए आप देखेंगे भारत की न्यायपालिका को हम क्या बोलते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका तो ये सबसे स्वतंत्र है सबसे ओवर एनेबल है इसको जुडिशियल रिव्यू का पावर है तीनों आर्गन में से कोई भी अगर कुछ गलत काम करता है तो जुडिशियरी को सारे पावर दिए गए हैं चेक और बैलेंस के लिए मैं अब समझ पा रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया विधि के शासन के बारे में आपको समझ में आया होगा और मैंने बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में बिना किसी विधिक शब्द का प्रयोग करते हुए आपके बताने का प्रयास किया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तक मैं पहुँच पाया हूँ आपने वाणी के माध्यम से तो इस सुनने के लिए और सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को नमस्कार धन्यवाद thank you